नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मनकू अपने किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। सर्दियों के मौसम में तो आंवले की काफ़ी भरमार होती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में भी आंवला खाने का मन करे तो उसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप आंवले का मुरब्बा बना लें और उसे गर्मियों में भी इंजॉय करें। तो चलिए आज हम अपने किचन में आंवले का मुरब्बा रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने बड़े साइज़ में आधा किलो आंवला लिया है। ये देखिए, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो ये आंवला मैंने पका हुआ लिया है। पके हुए आंवले में कसैलापन कम हो जाता है, जिससे मुरब्बा टेस्टी बनेगा। आंवलों को मैंने दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और ये देखिए ऑलमोस्ट सभी आंवलों को हमने प्रिक कर लिया है। इसे हम अंदर तक प्रिक करेंगे ताकि चाशनी भी इसके अंदर तक चली जाए, और इसे ट्रेडिशनल तरीके से तैयार करेंगे जिसे बिल्कुल मार्केट के मुरब्बे जैसा ही बनेगा। एक पैन में हम उतना पानी लेंगे जिसमें सारे आंवले अच्छे से डुब जाए, और उसमें खाने वाले चूने को मिक्स कर लेंगे। ये चूना आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसमें हम आंवलों को डिप कर लेंगे और सारी रात इन्हें इसी तरह रहने देंगे। रात भर आंवले को डिप करने से एक आंवला कुछ इस तरह से हो जाता है। अब इसे हमने दो तीन पानी से धो लिया है और इसे दोबारा फिर एक रात के लिए हम चूने वाले पानी में डिप कर लेंगे, जिससे और अच्छे से सॉफ्ट रखें। दो बार इसे हम इसी तरह चूने के पानी में डिप करेंगे और फिर कॉटन के कपड़े से इसे सुखा लेंगे, और एक एक करके सभी आंवले को अच्छे से साफ करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम चाशनी भी रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए पानी हम कम ही लेंगे, जैसे कि मैंने 1/4 कप पानी लिया है, क्योंकि आंवले में भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और अगर हम पहले ही ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसे सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे ही चीनी मेल्ट होने लगेगी हम इसमें आंवलों को ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं आंवलों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इन्हें हम 20-25 मिनट तक इसी तरह पका लेंगे और फ्लेम को इसके लिए हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। चाशनी की कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल शहद की तरह चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और ना बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि पतली चाशनी से आंवले जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब इसके टेस्ट को चटपटा बनाने के लिए हम आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच ही काली मिर्च मिक्स कर लेंगे। गैस को हम ऑफ कर लेते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए रख लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत बढ़िया है। अब हरी इलायची का पाउडर भी हम इसमें डाल लेंगे, जिससे फ्लेवर बढ़िया आएगा, और इसे मिक्स करके बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें सेफ्रन लीव्स केसर की पत्तियां में मिला लेते हैं। देखिए आंवले सॉफ्ट भी हो गए हैं और जूसी भी। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी और नए आइडिया के साथ।